शिक्षक बंधुओं, बच्चों और आपके अभिभावकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। इस टॉपिक में शिक्षक दिवस पर भाषण कैसे देना है इसके बारे में जानेंगे। तो वे बच्चे जो इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। शिक्षक दिवस, शिक्षकों को अभिवादन के साथ आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग समय के अनुसार बोलें। आप चाहें तो टीचर्स को संबोधित करते हुए कह सकते हैं, हमारे सम्मानित शिक्षकों और प्रिय मित्रों को सुप्रभात भी बोल सकते हैं। इसके बाद आप अपने भाषण में दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए एक आकर्षक कोट, मुहावरा या मंत्र बोल सकते हैं, जिससे कि जो दर्शक हैं आपकी ओर आकर्षित हो सकें। गुरु के सम्मान में बोलें ए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सम्मान में जब आप इस पंक्तित का यूज करेंगे तो दर्शकों का ध्यान आपके तरफ हो जाएगा और तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाएगी। अब शिक्षक दिवस के गहन महत्व और हमारे जीवन में उनकी भूमिका पर जोर देते हुए कहें, आज जब हम यहाँ शिक्षक दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, मैं हर उस शिक्षक को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपने हमें ना केवल सीखने का नया तरीका सिखाया है, बल्कि हर परिस्थिति से लड़ने और हमेशा कुछ नया सीखते रहने के लिए प्रेरित भी किया है। आज इस अवसर पर मैं शिक्षक दिवस के इतिहास और इसे मनाने के कारणों के बारे में बात करना चाहूँगा। इसके लिए पहले मैं कुछ पंक्तित कहना चाहता हूँ, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह तारीख क्यों चुनी गई? असल में यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है, जो एक महान विद्वान थे। उन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। एक बार उनके छात्रों ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने के लिए कहा, तभी उन्होंने सरलता से उत्तर देते हुए कहा, मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय अगर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। तभी से सभी शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए उनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। साल 1962 से ही भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी चुने गए थे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का धन्यवाद।